मास्टरमाइंड है, परंतु अरविंद केजरीवाल जी कब तक ये ABCD करते रहेंगे आप? ए फॉर अवॉइडिंग, बी फॉर भाग जाना, सी फॉर कवर अप और डी फॉर डायवर्जन एंड ड्रामा। ये ABCD नहीं चलेगा। आज जब पांचवा समन जारी हुआ था और आपको केंद्रीय एजेंसी के सामने जाना था, आपको ईडी के सामने जाना था, और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो आप चले जाते, सवालों का जवाब दे देते, परंतु आप बार बार वही राग अलगते हैं कि हम करेंगे मिलकर भ्रष्टाचार और कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। बताइए, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है? तो फिर कांग्रेस पार्टी, आपकी सहयोगी, क्यों आप ही के खिलाफ शराब घोटाले में जांच चाहती है? उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यदि ये विद्वेष की भावना है तो बताइए, कट्टर ईमानदार जिसको आप कहते हैं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, उनको कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिलती? और देखिए ना, इनका पूरा गठबंधन इसी प्रकार का है। एक समन से भागता है, दूसरा समन से छिपता है। कुछ लोग तो कन्विक्ट हो चुके हैं, लालू प्रसाद यादव और पवन मुड़ी जी, कुछ लोग बेल पर है। ये इंडी गठबंधन का चरित्र ही यही है। केजरीवाल नहीं गए थे, अब क्या आम आदमी पार्टी की अगली भूमिका रहेगी? क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे पांचवा समन का जवाब देने के लिए? हमें अभी पांचवें समन की जानकारी मिली है। हमारी लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है और जो भी कानून के दायरे में उचित होगा हम वैसल करेंगे आगे। क्या आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है पहले प्रियंका कि ये समन गैर कानूनी था? आपने ये भी कहा था कि कोर्ट में ये समन टिक नहीं पाएगा। अरविंद केजरीवाल खुद समन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में पांचवें समन का जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल, या आगे आप लोग फिलहाल लीगल टीम से चर्चा करने के बाद ही कोई टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया था चुनाव से पहले? देखिए, चार जो पहले समन आए थे वो गैर कानूनी थे। हमने ईडी से हमने जवाब मांगा था। जो अब पांचवा समन आया है उसको हमारी लीगल टीम स्टडी कर रही है। जो भी लीगल टीम बताएगी हम लॉ के दायरे में रहकर ही स्टेप